बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो भी एमएस एक्सेल के बारे में है कि जिसमें मैं आपको एक छोटी सी टिप बताऊंगा कि अगर आप एक्सेल में कोई भी डाटा फीड करते हैं और उसमें आपको बाद में याद आता है कि यार मैंने इसमें जो है इसके इसका जो भी हमने लिखा है डाटा लिखा है उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए था, तो अब मैं इसको जो है इतनी मैंने मेहनत की है तो क्या मैं इसको दोबारा से एक एक करके एडिट करूँगा या मैं उसको जो है वो फॉर्मूले के मुताबिक या किसी शॉर्टकट के मुताबिक मैं उसको कर सकता हूँ। तो आइए चलते हैं, मैं आपको ये छोटी सी टिप जो है थोड़े टाइम के बता दूँ। ये देखें, ये मेरे पास डाटा है जी, इसमें नाम लिखे हुए हैं, मुझे बाद में याद आया कि मैंने इसका जो है वो पहला लेटर जो है उसको कैपिटल करना है, तो मैंने जो है फिर वो सोचना पड़ा कि अब मैं इसको क्या करूँ। तो अच्छा, पहला तरीका इसका ये है कि हम इसमें फार्मूला लगाएंगे कि इक्वल टू, और फिर हम करेंगे प्रॉपर लिख दिया, फिर हमने यहाँ इसको कॉलम को सेलेक्ट कर दिया, हमने इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया और हमने सिंपल एंटर कर दिया और इसको हमने यहाँ से करके डबल क्लिक कर दिया, तो वो सारा जो है वो उस पर जो है फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि पहला पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो चुका है, लेकिन क्या हम इससे जो है कम वक्त में भी यही काम कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, हम इससे भी कम वक्त में इसका जो है वो सोल्यूशन कर सकते हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल सी कर रहा हूँ, मैं दोबारा से यहाँ आ जाता हूँ। मैं सिंपल क्या करूँगा कि मैं जो है वो पहला जो है उसका कॉलम इसके सामने सेल के सामने मैं इसको एक को बस कैपिटल करूँगा और मैं पूरा नाम लिख के एंटर कर दूंगा और सिंपल मैं क्या करूँगा कंट्रोल ई प्रेस करूँगा और वो सारे जो है सेल को ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। कंट्रोल ई असल में जो है कमांड वो है एक्सेल की, जो जो पिछला आप का जो जो भी आपने काम किया है उसको वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर फर्ज कर ले मैं यहाँ जो है पूरा नाम लिखता हूँ, शुएब मुर्तजा लिख देता हूँ, जहांगीर सज्जाद लिख देता हूँ, फहद नादिर लिख देता हूँ, हसन लिख देता हूँ, ये एक जो है वो डमी डाटा है। अच्छा ये देखें, मैं वो बताता हूँ, कोई भी अगर आप इन्हें परफॉर्म करेंगे, अब मैं यहाँ सिर्फ सिंपल शुएब का एस और मुर्तजा का एम मैंने बड़ा किया, ठीक है, मैंने इसको एंटर कर दिया और सिंपल जब मैं कंट्रोल ई करूँगा तो वो मुझे ऑटोमेटिकली कर देगा, यानी कि आपका जितना भी डाटा है चाहे वो आपका एक वर्ड है चाहे वो आपके 100 वर्ड्स हैं, आप जो भी काम करेंगे आपने अगर कंट्रोल ई करते हैं तो वो आपका जो है वो रिपीट हो जाएगा एक सेकंड के अंदर। ठीक है, लेकिन ये शर्त है कि ये देखें, यहाँ अगर सिंगल नेम था तो यहाँ भी सिंगल ही होगा, ये देखें ये सारे सिंगल नेम है, ठीक है, ये सारे डबल हैं तो तब वो काम करेगा, अगर किसी एक में वो नहीं होगा, ये देखें मैं यहाँ से ये करता हूँ, इसको मैं डेल करता हूँ, यहाँ से मैं दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या वर्क करता है या नहीं करता, कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको ये पता चले। अच्छा ठीक है, उसने इसको भी जो है वो अप्लाई कर दिया, समझता नहीं है, लेकिन ये जो है कंट्रोल ई जो है ये आपका जो है वो रिपीट करता है फंक्शन, ठीक है, तो इसलिए आप जो है वो फार्मूले के मुताबिक भी कर सकते हैं और इससे जो है ये शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं। छोटी सी टिप थी लेकिन ये बहुत फ़ायदा दे सकता है आपको कि हमारा इनके हज़ारों का डाटा है, हम बेशक डाटा आराम से बेशक आँखें बंद करके टाइप कर लें और उसके बाद हमें कुछ भी करना पड़ जाए तो हम सिर्फ एक जो है सेल के आगे उसके जो है वो कम करेंगे कंट्रोल ही करेंगे तो सारा जो है हमारा वो वैसे ही हमें वो फिल करके दे देगा एज इट इज़। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।